कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 74वां जन्मदिवस है और इस जन्मदिन को बड़ी ही सादगी के साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा के द्वारा मनाया गया वसंत कुंज के हरजन बस्ती में। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर वसंत कुंज के हरजन बस्ती में किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को साड़ी और बुजुर्गों को कंबल और सैनिटरी नैपकिन पैड, महिलाओं को और साथ ही बच्चों में बिस्किट और टॉफी और फ्रूटी बाँट कर इन सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज के हरजन बस्ती की, जहां पर आपको बता दें कि महिला मोर्चा के द्वारा ये जन्मदिवस मनाया गया और यहां पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो यहां पर पहुंचे और सभी ने बड़ी ही सादगी के साथ ये जन्मदिवस मनाया। साथ ही आपको बता दें इस जन्मदिवस पर एनजीओ ने भी अपनी भूमिका निभाई, एनजीओ के द्वारा भी यहां पर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड बांटे गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वसंत कुंज के हरजन बस्ती की, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 74वां जन्मदिवस जो है बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने का जो संकल्प जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया जाता है उसको यहां पर देखा गया कि किस तरीके से बखूबी निभाया गया, क्योंकि कोरोना काल और साथ ही साथ किसान आंदोलन को देखते हुए पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो जन्मदिवस है वो शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, कोई केक काटकर सेलिब्रेशन नहीं होगा और उसी को यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बखूबी निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सोनिया जी का किस तरीके से मना रही है और क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप लोग? देखिए आज हमारी बहुत ही प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्मदिन तो वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और बहुत ग्रैंड तरीके से सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता करते रहे हैं हमेशा, लेकिन इस साल मैडम का निर्देश है कि हम इसे सेलिब्रेट ना करके जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच में हम लोग पहुँचे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके साथ आपस में संवाद करें, बांटें, बैठें उनके साथ। तो बस यही एक कोशिश है कि इसको समारोह ना करके हमने जो औरतों की निजी ज़रूरतें होती हैं उससे संबंधित हमने कुछ वस्तुएं उनको दी हैं, सैनिटरी पैड वगैरह और साथ में बच्चों को स्टेशनरी, ताकि बच्चों के साथ हम लोग इस पल को बिता सकें। अभी आप बसंत कुंज इलाके में, क्या और भी जगहों पर आप लोगों को जाना है? जिस तरह आज हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग महिला कार्यकर्ता काम कर रही हैं और अभी हमारे मेहरौली जिले में भी एक दूसरा कार्यक्रम है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष करने जा रही है पुष्पा जी, तो सभी अलग अलग तरीके से जिस भी तरीके में हम लोगों की मदद कर सकते हैं उसको आज के इस दिन को बताने की कोशिश की जा रही है। तो लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोरोना है उसको लेकर भी आप लोगों ने यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस भी दी। देखिए कोरोना एक ऐसी समस्या और एक ऐसा पड़ाव आ गया है लोगों की ज़िंदगी में कि इसको हमने बहुत ही सचेतता के साथ पार करना है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता जो मास्क और सैनिटाइजर्स भी आज बांट रहे हैं वो सब अपनी तरफ से अवेयरनेस जो कर सकते हैं कर रहे हैं। मेरा नाम ज्योति चांदना है। ज्योति जी आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया क्या उद्देश्य था, किस वजह से किया? आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का बर्थडे था, हम लोगों ने सोचा कि हम उनके बर्थडे पे क्यों ना अपने आसपास की जो बस्तियां उनमें बच्चों को महिलाओं को सम्मानित करें, तो उसमें हमारी प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन जी भी आई थी, तो हम सब ने मिल गए छोटे छोटे बच्चों में खाने की चीज़ें, महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन और कंबल्स और क्या कैसे कहते हैं साड़ी वगैरह हम सब ने बांटी हैं महिलाओं को। एनजीओ का भी सहयोग था इसमें? बिल्कुल, इसमें मेरी एनजीओ का पूरा पार्टिसिपेशन था। मेरी एनजीओ नया सफर फाउंडेशन जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, महिलाओं के साथ जुट के बच्चों के ऊपर काम करती है, तो उन सब के साथ मिलकर मेरी एनजीओ के लोगों के साथ मिलकर अमृता धवन जी के साथ मिलकर हम लोगों ने आज इस प्रोग्राम को अपनी तरफ से मैम के लिए सम्मान रखा था कि हम केक तो काट नहीं सकते क्योंकि हमारे किसान भाइयों के साथ जो चल रहा है उसको देखते हुए मैम ने कल ही बोल दिया था कि कोई नहीं जन्मदिन की ऐसी मुबारकें देगा और ना ही कोई केक काटेगा। तो हम सब ने यही प्लान किया कि हम अपनी अपनी एनजीओ के तले हम इस प्रोग्राम को करें। विचित्रा जी आज किस तरीके से आप लोग सहयोग कर रही हैं जो कांग्रेस के साथ जो आप लोगों कार्यक्रम तक क्या क्या आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया? एक्चुअली हम लोगों की फाउंडेशन है नया सफर फाउंडेशन, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमको पता चला था कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे बच्चों को इकट्ठा कर रही है और हमारी जो एनजीओ है वो वुमेन्स के लिए और बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है। हम लोगों के यहाँ पे हम लोग अपना सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चर करते हैं हमारा खुद का, तो हमने सोचा कि अगर लेडीज़ के लिए और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते ही हैं तो क्यों ना हम इसके जो सहयोग करें और थोड़ा सा हम लोग भी अपनी सैनिटरी पैड
पैड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमने सैनिटरी पैड और बिस्किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लगातार आप लोग हमेशा कार्य कर रहे हैं कोरोना के दौरान, क्या आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा? हाँ जी, हमने कोरोना में भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, रॉ फूड भी किया था, कुक्ड फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, और जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले भी एक पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सैनिटरी पैड भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अभी दोबारा कर रहे हैं आगे इन। हाँ, और हमारा जो एनजीओ में ये मास्क भी बनाती हैं लेडीज जो है ना, होममेड कपड़े के जो मास्क है ये भी बनाते हैं, ये भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जगह जगह पर। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, टाइमली हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, हर महीने में दो महीने में मास्क भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जैसे वुमेंस डे वगैरह आ रहा है उसमें भी हम लोग कुछ फंक्शंस करना सोच रहे हैं। दिवस जो है वो मना रहे हैं आप लोग? आज सोनिया जी का जन्मदिन हम बच्चों के बीच में जाके और महिलाएं, स्पेशली जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे मिलके और उनको जो भी हमारे से बन पा रहा है महिला कांग्रेस की तरफ से, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच जाके उनको थोड़ी सी खुशियाँ बांट सके। आप जानते ही हैं कोरोना के टाइम में कितनी दिक्कतों से हमारी महिलाएं जूझ रही हैं, तो हमारा यही औचित्य रहा है आज के दिन। सोनिया जी भी नहीं चाहती थी कि इस पैनडेमिक के ऊपर हम लोग कोई भी किसी भी तरह का सेलिब्रेशन करें, तो इसलिए हम बड़े ही तरीके से जाके लोगों से मिलके, महिलाओं से स्पेशली और बच्चों से मिलके और उनके बीच में कुछ छोटी छोटी खुशियाँ बांट के उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज जन्मदिवस है और कांग्रेस से आप लोग पुराना नाता आप लोगों का, सोनिया जी का जन्मदिन है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे आज? सोनिया जी का 74वां जन्मदिवस है, उन्होंने बहुत ही स्पेशल बोल दिया था, कल सबको अलर्ट कर दिया था कि कोई जन्मदिन पे कोई का एक खास प्रोग्राम नहीं होंगे, तो हमने बिल्कुल सादगी से यहाँ हरिजन बस्ती में बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ बुजुर्गों को कम्बल और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, अलग अलग आइटम जैसे जिसकी जरूरत के हिसाब से उनको बांटा है। आगे भी क्या अभी आप लोगों का जिले में और भी? इसके बाद अभी हम टीबी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ कंबल बांट के आएंगे मरीजों को, और वहाँ भी कुछ ना कुछ खाने का भी हमने पैकेट बनवाए हैं, वो भी लेंगे।